दिल्ली में शराब नीति का विरोध निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ये नज़ारा है मॉडल टाउन विधानसभा के राजपुरा गुड़मंडी इलाके का, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता शराब नीति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं और क्षेत्र में शराब की दुकान बंद करवाने का आह्वान कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता राजपुरा गुड़मंडी इलाके में आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में मौजूद रहे और लोगों से आह्वान किया कि शराब की दुकानों को बंद कराने में उनका सहयोग करें। हमारी मांग यह है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसका वो खुद स्वयं राजनीतिक मंशा पूरी करने से पहले जो हो गई है उसकी मंशा पूरी पुरजोर विरोध करता था, आज उसी को बहुत निरंतर गति से आगे बढ़ाता हुआ लगभग 550 ठेके वो दिल्ली में खोलने के लिए 850 ठेके दिल्ली में खोलने के लिए उसने परमिशन दे दी। रेड्डी ब्रदर्स और पोंटी चड्डा ब्रदर्स को उसने इस चीज़ का ठेका दिया, जिसमें उसको कई करोड़ों का अनुदान राशि के रूप में उसको व्यक्तिगत इंडिविजुअल राजनीति के लिए भी और अपनी पार्टी की राजनीति के लिए भी पंजाब और उत्तरांचल और जिन स्टेटों में वो लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर गुड़मंडी इलाके में क्या मांगे आप लोग की और क्या चाहते हैं? हम यहाँ यही चाहते हैं कि हमारे रेजिडेंशियल इलाकों में ये शराब के ठेके जो खुले हैं इनको बंद होना चाहिए और इसकी संख्या घटाकर कमर्शियल इलाकों में करनी चाहिए। जिस प्रकार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को शराब की ओर धकेलने का काम किया है, दिल्ली के अंदर 249 ठेके थे पहले, उसमें सरकारी ठेके भी थे, परंतु अब उन्होंने सारे सरकारी ठेके बंद करके 850 ठेके दिल्ली के अंदर प्राइवेट कर दिए, सारे प्राइवेट कर दिए, अरबों रुपए उससे उन्होंने खा कर, और वो पैसा पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, यूपी के चुनाव में लगाने के लिए वो लोगों से वो पैसा इकट्ठा किया। हमारी मांग है लोगों को जागृत करने की, जो यहाँ लोग रहते हैं, ये एक यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, उनसे उनको ये जागृत करना है कि जिस प्रकार केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को शराब के अंदर धकेलने का काम किया है, उससे क्योंकि जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी उससे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा मानना यह है कि सारे घर में, हर घर में क्लेश की जड़ शराब है, और दिल्ली सरकार एक तरफ तो बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल लगा रही है और दूसरी तरफ गली गली में शराब के ठेके खुलवा रही है। इससे क्या मैसेज जाएगा? हर घर में जब शराब आएगी तो घर में क्लेश बढ़ेगा, और बिना बात के क्लेश का कोई सर पैर नहीं होता। भारत सरकार हर जगह घर घर में हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, और ये दिल्ली सरकार हर मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा रही है। इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हमारी पार्टी ने जो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल गवर्नमेंट की जो आबकारी नीति है, वो एक जनविरोधी और दिल्ली और विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली पॉलिसी है। और हमारी जो सरकार है उसने नीति के तौर पर ये तय किया है कि दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को हम किसी भी तरह से दिल्ली में नहीं लागू होने देंगे। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम हस्ताक्षर माध्यम से गली गली में जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके केजरीवाल सरकार की इस जन विरोधी नीति का विरोध करें। हम कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं। ये दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली पॉलिसी है और दिल्ली को बर्बाद करने वाली पॉलिसी है। ये पॉलिसी यदि व्यवहारिक रूप से यदि दिल्ली में लागू होगी तो दिल्ली देश की राजनीति के साथ साथ शराब की राजनीति बनकर के रह जाएगी। हम लोग कड़े शब्दों में इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और केजरीवाल सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस आबकारी नीति को रोल बैक करना चाहिए। ये अभियान राजपुरा पाल चौक पर चलाया जा रहा है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो इन्होंने नई शराब नीति के तहत 850 शराब की दुकानें नई खोली जा रही हैं। हर वार्ड के अंदर 3 नई दुकानें खोली जा रही हैं और महिलाओं के लिए अलग दुकान खोली जा रही है। इससे शराब पीने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और युवाओं का जो है बहुत ही भविष्य खराब हो जाएगा। शराब घर घर के अंदर नशा एक बहुत चरम सीमा पे बढ़ेगा। इसका हम बहुत
पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली का युवा इससे बहुत परेशान है, हताहत है, हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, जो ये नई शराब नीति के तहत इन दुकानों का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और आम जनता इससे बहुत परेशान है और ये शराब की दुकानें बंद हो। मैं ये केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति है इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और ये यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही परेशान है, सबकी डिमांड है ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए। ये केजरीवाल सरकार ने जो 500 स्कूल खोलने का वादा किया था वो ना पूरा करते हुए उसकी जगह 850 शराब के ठेके नए खोल रहे हैं। इसका सारी जनता पुरजोर विरोध कर रही है। सब हम लोगों ने यह हस्ताक्षर अभियान चलाया है जिससे ये सभी लोग जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सभी लोग साइन कर रहे हैं और अपना फोन नंबर वगैरह सब दर्ज करा रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि केजरीवाल सरकार ने ये जो 850 ठेके रिहायशी इलाकों में खोल दिए हैं और उसके साथ महिलाओं के लिए जो ठेके खोले गए हैं, हम चाहते हैं कि इन ठेकों को बंद किया जाए, कमर्शियल इलाकों में ये ठेके खोले जाएं और खास तौर से हमारी सभ्यता नहीं कहती कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं शराब या सिगरेट वगैरह पिए, तो हम नहीं चाहते कि हमारी सभ्यता के ऊपर उंगली उठाई जाए इन ठेकों को लेके, हमारी सभ्यता को खराब किया जाए इन ठेकों को लेके। हम चाहते हैं कि ये ठेके बंद हो और सरकार हमारा इसमें समर्थन। हमारी मांग यही है कि जो केजरीवाल सरकार ने 850 शराब के ठेके हर वार्ड में हर रिहायशी इलाकों में खोले, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि महिलाएं, हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। महिलाओं के लिए तो एकदम ये व्यक्तिगत क्षति भी है कि हर घर में और रिहायशी इलाकों में अगर इस तरह से ये खोले जाएंगे तो लोग तो घर घर में यही काम चलेगा।